तो फ्रेंड्स गुड़हल एक ऐसा प्लांट है जो कि हर किसी को पसंद होता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो फूल होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। इस प्लांट को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये एक परमानेंट प्लांट है। इसकी हाइब्रिड वैरायटी होती हैं, देसी वैरायटी होती हैं और ये वाला इसका सबसे बेस्ट सीजन होता है। इस टाइम पर आप नर्सरी से जितना चाहो गुड़हल परचेस कर सकते हो। विंटर में इसकी कैसे केयर करनी है, कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी कैसे तैयार करनी है, पानी कैसे डालना है, किस जगह पर आपको रखना है, सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, काफी हेल्पफुल होने वाली है और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो गुड़हल जो प्लांट होता है ये एक परमानेंट प्लांट होता है और इसकी आपको बहुत सारी वैरायटी नर्सरी में देखने को मिलती हैं। इसमें देसी वैरायटी भी होती हैं, हाइब्रिड वैरायटी भी होती हैं। जो मेरे आप सामने आप प्लांट देख रहे हो ये सभी हाइब्रिड हैं और इन सभी को मैंने 150-200 तक की रेंज में लाया हुआ है। फर्स्ट आपको गुड़हल के लिए कैसे पॉट को चूज़ करना चाहिए, तो देखिए प्लास्टिक के पॉट में गुड़हल को बिल्कुल मत लगाइए। प्लास्टिक के पॉट में क्या होता है, मिट्टी जल्दी से नहीं सूखती है, उसमें नीचे की तरफ नमी हमेशा बनी रहती है और प्लांट की जड़ों में हमेशा नमी बनी रहेगी तो आपका प्लांट कभी भी अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। तो सबसे अच्छा बेस्ट रहता है, मैंने देखी सारे पॉट मेरे मिट्टी के हैं और बहुत ही अच्छे से इनमें प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी रहती है। एक तो मिट्टी के पॉट ठंडे होते हैं और इनमें गर्मियों में जब हम प्लांट की जड़ों को मॉइस्चर मिलता है तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन सर्दियों में ये हमारे प्लांट के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो आप मिट्टी के पॉट में प्लांट को लगा सकते हो, सीमेंट के पॉट में भी लगा सकते हो, लेकिन मैं प्लास्टिक का पॉट बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप गुड़हल को प्लास्टिक के पॉट में लगाइए, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में प्लांट को लगाकर कभी भी धूप में भी नहीं रखना चाहिए। प्लास्टिक पिघलती है तो प्लांट की जड़ों को भी नुकसान करती है। और ये वाला प्लांट हमारा ऐसा है कि सर्दियों में हम इसे पूरा दिन की धूप में रखते हैं गुड़हल को, लेकिन गर्मियों में हमें ऐसी जगह पर रखना होता है जहां पर इसे सुबह की अच्छी 3-4 घंटे की धूप मिल जाए, पूरा दिन की धूप इस पर ना पड़े। जो दोपहर वाली धूप होती है वो गर्मियों की इस पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उससे पत्तियां जलती हैं और जो कलियां बनती हैं वो गिरने लग जाती है, फूल पूरा ओपन नहीं हो पाता है, कलियाँ जो होती हैं वो पीली होती हैं और पीली होकर गिर जाती हैं। उसका मेन कारण होता है एक तो ओवर वाटरिंग होता है और या फिर आपके प्लांट को अच्छी नाइट्रोजन या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं तो भी कली बनकर गिरने लग जाती हैं। फर्स्ट आपको मिट्टी कैसे तैयार करनी होती है, तो देखिए आपको इसके लिए 1 पार्ट मिट्टी लेनी है, 1 पार्ट सैंड लेना है, 1 पार्ट आपको उसमें वर्मी कंपोस्ट लेना है और करीब 10% आपको उसमें नीम खली लेनी है। नीम खली आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी करती है, मिट्टी को भी अच्छा उपजाऊ बनाती है और मिट्टी में फंगस भी नहीं लगने देती है और जो पत्तियों का कलर होता है वो भी गहरा होता है। इसलिए आप नीम खली को अपने प्लांट में ज़रूर इस्तेमाल करिए, खासकर कि अभी जैसे इस टाइम पर तो नीम खली आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए बेस्ट है। आप मिट्टी में भी यूज़ कर सकते हो या फिर अगर आपने मिट्टी में नहीं यूज़ किया है तो बाद में एक लेयर ऊपर आप नीम खली की प्लांट की जड़ों पर बना सकते हो, उससे भी आपके प्लांट को बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह बहुत अच्छे आपके प्लांट को जिस चीज़ की कमी रहती है मिल जाती है। नीम खली बेस्ट ऑप्शन रहता है गुड़हल के लिए और वो भी बरसात के टाइम पर, क्योंकि बरसात के टाइम पर कीड़ा भी बहुत जल्दी पनपता है और मिट्टी में फंगस भी बहुत जल्दी लगती है, तो आप नीम खली का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मिट्टी के ऊपर आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हो, हल्दी की एक लेयर ऊपर की तरफ बना दीजिए, 1 चम्मच 8 इंच के पॉट में 1 चम्मच डाल दीजिए और मिट्टी में मिक्स कर दीजिए, उससे भी आपकी मिट्टी अच्छी एसिडिक भी रहेगी और फंगस भी नहीं लगेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको इसमें वॉटरिंग कैसे करनी है, तो थोड़ी थोड़ी वॉटरिंग करनी है सावर करके, उससे आपके प्लांट को नमी मिलती रहती है। खाद आपको कौन सी डालनी है, तो यहाँ पर मैंने देखिए एक कंच के गिलास में 1/2 गिलास पानी लिया है और 1 चम्मच मैंने लिया है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो होता है ये एक ऑर्गेनिक खाद होती है जो कि मिट्टी को उपजाऊ भी बनाती है और प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी करती है और फूल लेने में भी हेल्प करती है। अगर आप केमिकल खाद का इस्तेमाल करते हो तो उससे कई बार क्या होता है, एक तो धूप तेज रहती है और ऊपर से हम जब केमिकल खाद का इस्तेमाल कर लेते हैं तो प्लांट की पत्तियाँ पीली होकर गिरने लग जाती हैं। तो हमने देखिए 1/2 गिलास में 1/2 चम्मच ह्यूमिक एसिड को मिक्स कर लिया है और
इसको आप बहुत अच्छे से मिक्स कर लिए, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अगर लम्स रहेंगे, गांठ रहेंगी, तो पत्तियों के ऊपर गिर कर होल हो जाएंगे। और आपको इसे 2 लीटर पानी में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मेरे पास 10 से 11 प्लांट है, इन सभी के ऊपर मैं इस खाद का इस्तेमाल करूँगी। ये मैंने सिर्फ एक प्लांट के लिए नहीं बनाया है। आप इस तरीके से खाद को बनाकर अपने सभी प्लांट पर, अच्छे से प्लांट की पत्तियों पर भी स्प्रे करिए, मिट्टी में भी डालिए। इससे क्या होगा, जो पत्तियाँ आपकी कलर या पत्तियों का कलर डार्क नहीं होता है, या फिर पत्तियाँ जल्दी जल्दी पीली होती हैं, तो पत्तियाँ पीली भी नहीं होंगी और पत्तियों का कलर भी डार्क होगा, कलियाँ बनेंगी और गिरेंगी नहीं, फूल पूरा ओपन होगा। मिट्टी इसको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, इस वाली खाद से मिट्टी उपजाऊ बनती है, ग्रोथ प्लांट की डबल निकल कर आती है। तो इस तरीके से आप इस खाद को 15 दिन में एक बार डाल सकते हो। बरसात में डालिए, गर्मी में डालिए, सर्दी में डालिए, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट आपके प्लांट पर नहीं होता है। तो 15 दिन में एक बार इस खाद का आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा बेस्ट खाद है आपके प्लांट के लिए। इसके अलावा अगर आपके प्लांट पर मीली बग्स वगैरह लग गए हैं, तो उसके लिए आप नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हो। वीक में एक बार नीम ऑयल अपने प्लांट पर स्प्रे करते रहिए, एक भी मीली बग्स या फिर कीड़ा नहीं रहेगा, एफिड्स वगैरह जो लग जाते हैं। नीम ऑयल को गुनगुने पानी में तैयार करना होता है, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किस तरीके से नीम ऑयल तैयार करना चाहिए प्लांट के लिए, क्योंकि नीम ऑयल भी ऑर्गेनिक होता है, उसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर आप मिलीबग्स या फिर मिलीबग्स को मारने के लिए किसी केमिकल दवाई का यूज़ करते हो, तो होगा क्या, प्लांट की पूरी पत्तियां पीली हो जाएंगी और वो गिरने लग जाएंगी। इसलिए कहती हूँ ऑर्गेनिक खाद ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया करिए। उसके लिए जैसे कि सीविड खाद होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, सरसों खली कर सकते हो, या फिर ये वाली खाद कर सकते हो जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है। अगर आप इस तरीके से अपने गुड़हल जैसे प्लांट की केयर करते हो, तो आपके प्लांट पर फूल भी ज़्यादा खिलते हैं, ग्रोथ भी अच्छी रहती है, और न्यूट्रिशन वगैरह आपके प्लांट को टाइम टाइम पर मिलते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।